भगवान देह धारण करके आए हैं, नगर विदेह का है। विदेह नगर में प्रभु का शुभागमन, बहुत सुंदर ऐसा दिव्य नगर, पुर नर नार सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी नगरी है। और जहां विदेह रहते हो, जगन माता जहां विराजमान हो, वहां तो सब शुभ ही शुभ होंगे, सुंदर ही सुंदर होंगे। सुंदरता कहो सुंदर करही, ऐसा जानकी जी के बारे में, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, तो सुंदरे किम न सुंदर। जगत की माता जहां विराजमान है, वहां सब ज्ञानी गुणवान धर्मशील सुंदर सुशील सब प्रकार के प्रभु ने प्रवेश किया। बहुत सुंदर एक जनक जी का बाग था, बहुत बड़ा बाग, पहले राजाओं के बाग हुआ करते। विश्वामित्र जी का राघव, सुंदर जगह बड़ी है, कुआ बहुत अच्छा है स्नान के लिए, सरोवर बहुत अच्छा है, साधु को तो स्नान की सुविधा की जगह चाहिए, और हरा भरा बाग है, यही ठहर जाते। और ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा है, बाग में टिक गए। बाग के जो रक्षक थे, जब उन्होंने इतने बड़े महापुरुष महात्मा को, अभी ये बाग के लोग जानते नहीं थे, सैकड़ों साधुओं की जमात इनके साथ थी, दो बड़े सुंदर राजकुमार, तो जो सेवक थे बाग के, जो माली थे रक्षक थे, उन्होंने किसी से धीरे से पूछा होगा ये कौन है। बोले दो राजकुमार, इनको तो हम नहीं जानते, किसी साधु से पूछा, लेकिन ये हमारे गुरु जी हैं, विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी, ओहो, एक उनमें से दौड़ कर गया और जनक जी के दरबार में सीधा पहुंच गया। महाराज की जय हो महाराज, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला और ये जनक जी तो गदगद हो गए। आवागमन नहीं था, जनकपुर और अयोध्या का बोलचाल नहीं थी, जनकपुर में और अयोध्या में बोलचाल नहीं थी, दोनों में बड़ी पुरानी दुश्मनी जैसी थी, विरोध था, दोनों की दूरी बहुत थी। भगवान ने दो रूप लिए, एक रूप से जानकी जी के रूप में जनकपुर में अवतार ले लिया, एक रूप से राम रूप में अयोध्या में अवतार ले लिया। और वर्षों की युगों की जो खाई थी, भगवान ने विवाह के माध्यम से पाट ली। वैवाहिक संबंध सबसे ज्यादा मजबूत संबंध हुआ करता है, तो सब। और विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की बोलचाल नहीं थी, वो भी भगवान के माध्यम से ही हुआ, भगवान ने ही। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की बोलचाल नहीं थी, बहुत पुराना झगड़ा था। तो विश्वामित्र महामुनि पधारे, अपने सेवक सचिव छोटे भाई को लेकर, स्वागत फलों की टोकरी वोकरी है वो, उस समय स्वागत का यही तरीका था, वही अब तक चला आ रहा है। साधु से मिलने जाते हैं तो फल आदि 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 कुछ न कुछ, साधु से मिलने कभी खाली हाथ मत जाइए। ब्राह्मण जब जब आपकी वस्तु का उपयोग करे, तब तब सिहाकर आशीर्वाद दे आपको। कमाल के व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बड़े धर्मात्मा है, क्या वस्तु देते हैं। आशीर्वाद वस्तु का नहीं होता है, आशीर्वाद हृदय की प्रसन्नता का होता है। तो फलों के टोकरे बड़े तैयारी के साथ आए, साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर, मुझे तो अपना कोई पुण्य और सत्कर्म नहीं याद आ रहा है जिसके कारण से आपका शुभागमन मेरे नगर में हुआ। मुझे लगता है कि मेरे पुरखों ने पूर्वजों ने कोई जरूर सत्कर्म पुण्य किए हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप उन्हीं के फल स्वरूप आपका शुभागमन मेरे नगर में, मेरी भूमि को आपने पवित्र कर दिया। स्वागत सत्कार ऐसे बैठे।